हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टफ पिज्जा बनाएंगे, वो भी डबल लेयर पिज्जा बेस से। खाने में सो टेस्टी एंड डिलीशियस एंड यम्मी, फुली ओवरलोडेड चीज से भरा हुआ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले दो पिज्जा बेस ले लेंगे, एक पिज्जा बेस को साइड में रख देंगे, ये मार्केट में आपको इजिली मिल जाएगा। अब पिज्जा बेस के ऊपर 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लगा देंगे और बटर के ऊपर 1 टेबलस्पून पिज्जा सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो सेजवान सॉस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर दो बारीक कटे हुए टमाटर, जिसके बीज और रस को मैंने पहले से ही हटा लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज और एक बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, आप चाहे तो लाल पीली शिमला मिर्च भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून पास्ता पिज्जा सीजनिंग, 1/4 टीस्पून ओरिगानो और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्ची को स्प्रेड कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे ग्रेट करके 2 प्रोसेस चीज क्यूब, आप चाहे तो इसकी जगह मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं, बिकॉज पिज्जा का रियल टेस्ट तो चीज से ही आता है। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद वेजीज भी डाल सकते हैं। अब दूसरा पिज्जा बेस लेंगे और एक ग्लास लेकर इसे अच्छे से प्रेस करके राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो जिस बाउल में किनारी हो वो भी ले सकते हैं। अब इस बेस पर भी अच्छे से मेल्टेड बटर लगा देंगे और 2 टेबलस्पून वेज मेयोनीज को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर बहुत सारी मोजरेला चीज डाल देंगे और हर तरफ से पिज्जा बेस को चीज से फिल कर देंगे। अब इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगानो को स्प्रेड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो बेक होने के बाद भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे हम बाटी जो बनाते हैं ना, मोस्टली जिसे तंदूर कहते हैं, उसमें बेक करूंगी। लेकिन इससे पहले प्री हीट करना होता है, मैंने 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर प्री हीटेड कर लिया था। इस फुल्ली ओवरलोडेड पिज्जा बेस को केयरफुली उठाकर ढककर रख देंगे और इसे 8 से 9 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 7 मिनट बाद चेक भी कर सकते हैं। यदि आप इसे माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इसे हमें जब तक बेक करना है जब तक कि चीज अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। वाओ, सुपर्ब, चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और बॉटम से भी इसकी प्रॉपरली सिकाई हो चुकी है। अब इसे हम गरम-गरम सर्व करते हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं और देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। ये फुल्ली ओवरलोडेड स्टफ पिज्जा बन गया और क्या टेस्ट है ना इसका, खाते ही दिल खुश हो गया। डबल लेयर का पिज्जा इस नए साल पर जरूर ट्राई करना। पिज्जा को खाकर तो बातें तो बहुत हो गई, मैं आपके लिए न्यू रेसिपीज रेगुलर लाती हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर दो एंड बाय।